ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जेई मेन 2017 के, और उसमें हम लोग देंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। अगर हम लोग सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते एग्जाम में, तो किस तरीके से हम लोग जुगाड़ लगा करके ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेई मेन में स्कोर 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आप कम टाइम में अपने स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हो, 170, 180, 200 के रेंज में जाना चाहते हो, ताकि आपके भी 97, 98, 99 परसेंटाइल आ सके, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कम टाइम में ये चीज़ किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स आपको सिखाएगा किस तरीके से आप ट्रिक्स की मदद से और बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज की मदद से आप किस तरीके से कम टाइम में अपने स्कोर को जेई मेन में बूस्टअप कर सकते हो। ठीक है, 15 घंटे का हमारा एक्सक्लूसिव कॉम्बो कोर्स है 1.0 प्लस 2.0 का, और उस पर ऑफर भी चल रहा है। ₹999 में आपको कॉम्बो कोर्स मिल जाएगा, जो कि आप अलग अलग अगर लेने जाओगे तो 1200 के ऊपर में हमारे पास में प्राइस पड़ेगा। तो आप कॉम्बो कोर्स में अभी एनरोल कर सकते हो, एंड उन 15 टू 20 आवर्स के कोर्स की मदद से आप लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हो कम टाइम में अपने स्कोर को इम्प्रूव करना। और उसके साथ में हमारे पास में गूगल मीट सेशंस भी होने वाले, आप उसका भी पार्ट हो पाओगे। उसमें आप मेरे साथ डायरेक्टली अपने सारे क्वेरीज को डिस्कस कर पाओगे, अपने साथ में अपने स्ट्रेटजीज को डिस्कस कर पाओगे, और बहुत ही ज्यादा आपको उसमें सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही सिंपल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर आप पेमेंट डिटेल्स को कंप्लीट करो, अपने सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद में पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। विद इन 1 आवर आपको AR स्क्वेड की तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा, एंड विद इन 6 आवर्स आपको कोर्स के वीडियोस भी सेंड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे टीम को मैसेज कर सकते हो, एंड कोर्स रिलेटेड कोई भी आपके इंक्वायरीज हो तो वो आप उनसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जरूर से इस कोर्स का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेई मेन 2018 का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जेई मेन 2018 का पेपर अब देखने वाले हैं। गलती से यहाँ पर मैंने जो है 2015 लिख करके रख दिया है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। 2018 का पेपर हम लोग यहाँ पर अब स्टार्ट कर रहे हैं, 2018 होंगे ये सारे के सारे। ठीक है, 2017 के पेपर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, पिछले एपिसोड वॉज द लास्ट एपिसोड ऑफ 2018 का पेपर, और अब हम लोग यहाँ से जो है 2017 का पेपर जो था वो पिछला एपिसोड तक लास्ट था, अब हम लोग 2018 को स्टार्ट करने वाले हैं। हमने 2013 देख लिया, 14 देख लिया, 15 देख लिया, 16, 17 देख लिया, अब इस वीडियो से हम लोग जो है 2018 के पेपर को यहां पर देखने वाले हैं, और ये 2018 के हमारे क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे आपको, वहां से जाकर के आप पास्ट के सारे एपिसोड्स देख सकते हो, फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स भी आपको जो है प्लेलिस्ट के अंदर में ऐड होती हुई दिख जाएंगी। ठीक है ना, अब यहां पर हम लोग जो है 2018 के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस में देखेंगे ट्रिक्स, किस किस क्वेश्चन में हमारे पास में लगता है, तुक्का किस तरीके से लगाना होता है। मैं पर आपके लिए ना टेबल बना देता हूं जो हम हर बार बनाते हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, ताकि आप लोग यहां पर इस तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ। कमेंट्स आप लोग करते रहना, आपके क्या करेक्ट आंसर है, आप क्या तुक्का लगाना चाहते हो, उस तरीके से आप लोग कमेंट करते रहना। ठीक है, हमारे को इस तरीके की चीज करनी है कि हम अपने तुक्के को ज्यादा से ज्यादा सही करें, मतलब 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो 4 या 5 हमारे जो है तुक्के सही हुए, ताकि हमारे ओवरऑल बहुत ज्यादा पॉजिटिव मार्क्स आए और हमारे मार्क्स इंक्रीज हो। राइट, सो जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है हमारा, वो एक्सट्रीम ऑप्शंस के एलिमिनेशन का तरीका, जिसमें हम सबसे बड़ा और सबसे छोटा ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। मैंने आपको बार-बार बताया इस चीज के बारे में, कई एपिसोड से मैं इस चीज को दोहरा रहा हूं। तो जैसे यहां पर 6 को एलिमिनेट किया, यहां पे 2.5 को एलिमिनेट किया, बीच में 3.5 एंड 4.5 है, उसमें से हमको यहां पर तुक्का लगाना है, मतलब सबसे बड़ा ऑप्शन और सबसे छोटा ऑप्शन को हटाया, बीच वाले में से हम लोग यहां पर जो है तुक्का लगा रहे हैं। साइकोलॉजिकल बात है, इंसान नहीं चाहता कि उसका जो ऑप्शन है वो एक्सट्रीम में दिख जाए करेक्ट आंसर, तो इंसान कहीं ना कहीं बीच में अपने आंसर्स को छुपाता है। जब भी टीचर क्वेश्चन बनाता है तो वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है। उस साइकोलॉजी पे बेस्ड हमारे पास में कई बार मैं इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं, उसी बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। 43.3 सबसे बड़ा है ना, 10.3 सबसे छोटा है, बीच में हमारे 18.3 एंड 27.3 के वैल्यूज है, तो आप इसमें से तुक्का लगा सकते हो ए और बी में से। ठीक है, तो ये जो आपका तरीका एलिमिनेशन का, सबसे बड़ा ऑप्शन और सबसे छोटा ऑप्शन को आप काटो, बीच वाले में से आप तुक्का लगाओ, ये बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। ठीक है, और इसका आपको बेनिफिट उठाना चाहिए, और सिर्फ एक पेपर में नहीं, मैं आपको हर पेपर में चीज दिखा रहा हूं 2013 से लेकर के अभी तक, मैं आपको बैक टू बैक दिखाए जा रहा हूं। ठीक है, तो ये बहुत काम आता है, जेई मेन में भी नहीं और भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं हमारे, स्टेट एग्जाम्स, एमएसटी, सीटी, डब्ल्यूबीजेई, सब में काम आता है। राइट, अब यहां पर हम लोग देखते हैं इन दो क्वेश्चंस को। तो यहां पर अगर आप देखोगे नीचे वाले क्वेश्चन को, तो आपको एक्सट्रीम के एलिमिनेशन यहां पर भी काम आ जाएगा, आप 5 और 7.5 में जो है तुक्का लगा
लगा सकते हो, बाकी दोनों हमारे पास में क्या है, एलिमिनेट हो गए। आपको अगर लग रहा होगा ना कि अरे कलर कैसे चेंज हो गया, ग्रीन से कैसे हो गया, तो यहाँ पर एक्चुअली डायग्राम था, तो मैं जब क्वेश्चन लिख रहा था तो मैंने यहाँ पर जो है ग्रीन कलर से डायग्राम बनाया था, और वही पेन गलती से जब मैंने पेज टर्न करके क्वेश्चन लिखने मैंने जब स्टार्ट किए तो वो ग्रीन ही कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, मैं इतना अच्छे से आप लोगों के लिए बनाता हूँ, भले ही डायग्राम की इस क्वेश्चन में नीड नहीं थी फिर भी मैंने बनाया, और फिर यहाँ पर हमारे पास में जो है ग्रीन इस पेज में आ गया। ठीक है, तो कभी भी मैं क्वेश्चन को पूरा लिखने की कोशिश करता हूँ जो एक्चुअल एग्जाम में आया हो, तो अगर डायग्राम होता है तो मैं डायग्राम को भी बनाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे ए डी में से हमको क्या है, एलिमिनेशन ए डी में से हमको यहाँ पर मार्क करने थे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो हमारा क्या यहाँ पर अजम्पशन का टेक्निक काम आएगा। अजम्पशन टेक्निक क्या है, कभी हम कोई वैल्यू को अज्यूम करते हैं, मैंने कोर्स के अंदर में बहुत डिटेल में अजम्पशन टेक्निक और ये सारी चीज़ें बता रखी है, आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बहुत बढ़िया आपके लिए जो है कॉम्बो कोर्स रहेगा 2022 वाले बच्चों के लिए। सो यहाँ पर हम लोगों ने एन की वैल्यू अगर हमने 2 अज्यूम कर ली, तो आपको पता है कि जो नॉर्मल हमारा केस होता है, जो धरती का केस होता है, उसमें एन की वैल्यू 2 ही रहती है ना, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 2 रहता है, राइट। सो हम लोग कह सकते हैं कि एन की वैल्यू अगर 2 होती है तो हमें पता है केपलर्स लॉ एंड ऑल दैट कि हमको टी स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल आता है आर क्यूब के उत्तर है। ठीक है, आप लोगों ने अगर थोड़ी बहुत भी थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और ये कब होता है, हमारे केस में होता है जब हमारा जो एन की वैल्यू है वो 2 होती है हमारे धरती के केस में, राइट। So, अब बात यह आता है कि अगर हम n को 2 ले तो हमें एक चीज ऑलरेडी पता है कि टी स्क्वायर जो है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल आता है, बट वो किसी भी n के लिए नहीं है, पर्टिकुलर n इक्वल टू 2 के लिए है, तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर हम लोग n की वैल्यू 2 डालते हैं बाकी ऑप्शंस में और चेक करने का ट्राई करें, तो आप देखोगे ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा कि r टू द पावर 1 आ रहा है इन दैट केस, है ना, 2 बाई 2 1 हो जाएगा पावर में। ठीक है, सेम चीज आप ऑप्शन बी में भी ट्राई कर सकते हो, बी में डालोगे तो आप 2 बाई 2 प्लस 1 आपका आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। यहां पर आप देखोगे तो 2 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2 आएगा, सो दिस इज करेक्ट। यहां पे हमको टी जो है वो आर टू द पावर 3 बाई 2 या फिर हम कह ले टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, उसके इक्विवेलेंट हमको ये वैल्यू दे रहा है, तो यहां पर सी करेक्ट है। तो यहां पर हमारे पास में क्या है, सी जो है वो एकदम यहां पर करेक्ट हो गया। तो हमने क्या करा, हमने अजम्पशन यूज किया, एन की वैल्यू को 2 लिया, हमें पता थी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होती है, ए ऑप्शन को हम इसलिए एलिमिनेट कर रहे क्योंकि वो फॉर एनी एन दिया हुआ है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमें समझ में भी आ रहा है 3 बाई 2 जो आएगा क्योंकि ऑप्शन ए उसी तरीके का दिया हुआ है, तो हम कंफर्म भी है उस चीज को लेकर के कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, अगर आप भूल भी जाओ तो भी वो ऑप्शन ए देख के आपको याद आ जाएगा, और फिर हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं एन की वैल्यू 2 डाल के बाकी ऑप्शन में आपको ऑप्शन सी आ जाएगा। इस तरीके से ना बहुत जुगाड़ लगा के, बहुत दिमाग लगा के तुक्का लगा सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने तुक्का लगाया, आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे किस तरीके से तुक्का लगा सकते हो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपने क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व नहीं किया, सिर्फ पहले की आपकी नॉलेज थी कि भाई टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, आपने उसको यूज किया। ठीक है, और वो एन इक्वल टू 2 पे होता है, हमने उसको पुट करके देख लिया, ऑप्शन सी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी मैं आपको इसके करेक्ट आंसर्स बता देता हूं, जो भी करेक्ट आंसर्स है, तो इसका सी हमारे पास में फर्स्ट का, सेकंड का हमारे पास में बी है, थर्ड का हमारे पास में आंसर सी ऑलरेडी हमने किया, एंड फोर्थ का हमारे पास में आंसर ए है। तो सी बी सी ए ये इसके करेक्ट आंसर्स हैं इन चार क्वेश्चन के। आई होप सारे बच्चों के चार में से 2-3 तो सही हो ही गए होंगे। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चिटकट्स की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।